देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र भिलाड़ सरीगाम देहली द्वारा कृष्णा जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य प्रशासिका बी के नीरूबेन और उषाबेन और मुख्य भाई आर्किटेक्ट विजय भाई पाटिल और सभी भाई बहने मिलकर रहकर इस सेवा केंद्र के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम केक कटिंग करके हांडी फोड़ के मनाया गया। हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। उसमें बच्चों ने कृष्ण जी के सॉन्ग पर डांस किया। लास्ट में ब्रह्मा कुमारी सेवा की तरफ से उनको गिफ्ट भी दिया गया। देखिए किरण राजपूत की रिपोर्ट।
सभी। तो आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल जैसा ये प्रोग्राम होता है, हर साल की तरह यहाँ पर ऐसे ही हमारे भाई बहन सब उपस्थित रहते हैं और बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम करते हैं। और उत्साह से कार्यक्रम करने का ऐसा महत्व है कि आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर कृष्ण का जन्म है, तो जैसे हम सबका बर्थडे मनाते हैं वैसे ये कृष्ण का बर्थडे है। और ये कृष्ण का बर्थडे, इसका मतलब हम शब्द में बोला जाता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी वैसे हर एक की होती है, तो ये जन्माष्टमी हम यहाँ पर आयोजित करते हैं। इसके द्वारा लोगों को खुशियाँ मिलती हैं और इस माध्यम से लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएँ तैयार होती है, जिसमें लोगों का मन और तन दोनों शुद्ध होता है। और इस ब्रह्म कुमारी इसके अंदर तो ऐसे भी आप सबको पता ही है कि इसका कार्यक्रम की रूपरेखा सबसे अलग होती है। तो हमारी मुख्य प्रशासिका जो नीरू बहन है, जो यहाँ पर रोज का सुबह का एक मुरली का कार्यक्रम होता है और शाम को भी मुरली होती है और योग होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा करण भाई से कि आगे आप नीरू बहन से आगे की जो आगे का जो व्यूज हैं जो आप उनसे लेंगे तो और अच्छा आपको। थैंक यू। ये जन्माष्टमी हमारे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो सारे त्योहार ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक जन्माष्टमी का खास एक ऐसा होता है जो छोटे से लेकर बड़े तक हर एक के मन में खुशी का लहर अलग ही होता है। और हम मनुष्य एक जन्म मनाते हैं जो हम जन्म नहीं करते, लेकिन हम जन्माष्टमी बोलते हैं। तो कृष्ण वो कहते कि वो आठ जन्म, उसके आठों जन्म श्रेष्ठ है, इसलिए हम जन्माष्टमी एक साथ में मनाते हैं। और कई ऐसे जो कृष्ण की बाल लीला और उसकी जो युवावस्था में उनके जो आगे उनकी तो कंचन काया है ही, लेकिन उसके जीवन में जितनी भी लीलाएं चरित्रों से दिखाई है कुछ उसमें हमें सिखाने के लिए कुछ खास होते हैं। तो खास तो जन्माष्टमी में एक होते हैं, जैसे एक तो हम आजकल कटिंग करते हैं, नहीं तो हम क्या करते मटकी फोड़ते हैं। और कृष्ण के बारे में हम यही जानते कि कृष्ण मटकी फोड़ करके मक्खन खाता था, है ना, वो एक प्रिंस राजकुमार था लेकिन फिर भी मटकी फोड़ करके खाता। तो परमात्मा हमको यही सिखाते कि जैसे कृष्ण ने मट्टी फोड़ी तो हमको क्या मैसेज देते, हमें ये देह रूपी मिट्टी का घड़ा मटकी इसको फोड़ना है, मतलब उसको समर्पित करते हैं कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और हमारे अंदर से जो अच्छे गुण जो निकल रहे उसको क्या बोलते हैं, मक्खन, उसको ज्ञान। तो वो मक्खन हमको खाना भी है और दूसरों को खिलाना भी है। तो ये क्योंकि बहुत बढ़िया मनाते हैं, उसको स्मृति में रखते हैं तो उसका स्वरूप बन जाता है। तो सारे सेंटरों पर ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं, छोटे बच्चे छोटी बच्चियाँ राधे बालिका बन करके आती हैं और उनके कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। और एक हम ये भी खास दिखाते कि कृष्ण जो भी उनका पात्र रहा है परफेक्ट रहा है, चाहे बालक के रूप में हो, चाहे बड़ा हुआ वो हो, चाहे युवा हो, हर पात्र। तो कोई कहते हमको सखा चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए, है ना, कोई कहते गुरु चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए, भाई चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए, पति चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए, प्रेमी चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए, बालक चाहिए छोटा गोपाल तो वो कृष्ण जैसा चाहिए। तो क्योंकि वो सारे पात्र में 16% सत्य, जिसको हम सोलह आना कहते हैं, तो कृष्ण सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण मतलब थोड़ा भी कम नहीं, एक ज्यादा एक कम भी नहीं, परफेक्ट। तो सारे पात्र में वो परफेक्शन दिखाई, इसलिए हम उनको उस रूप में ग्रहण करते हैं। तो उनकी लीला से तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें दिखाते हैं। और उसके जीवन में खास ये भी दिखाते कि मोर जो मुकुट दिखाते हैं तो एक पवित्र दिखाते हैं। तो कृष्ण के अंदर जितनी भी बातें दिखाई ना, तो धर्म को उसने आगे रखा है कृष्ण ने। तो
तो हमेशा पांच पांडवों को शिक्षा दी थी, उसने भी धर्म को आगे रखा है, रिश्तों में भी आगे धर्म को रखा है। तो धर्म क्या है? अपना स्वधर्म। अपना स्वधर्म मतलब अपने आप के लिए कि हम किसी से बातचीत करते हैं उसको बड़े प्यार से बातचीत करना, ये क्या हो गया हमारा स्वधर्म। और वही हमको कृष्ण सिखाते हैं अपने जीवन से। आप किसी से कुछ भी लेते हो तो वो भी प्यार का लेन देन हो, वही हमें सिखाता है। तो हमारा स्वधर्म एक पवित्रता भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, पवित्र शक्ति, आनंदमय, सुखमय, ये सारे हमारे स्वधर्म हैं जो हमें कृष्ण अपने जीवन से सिखाता है, जो हमारे जीवन में लेना है। तो वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम उसी रूप में हम बनाते हैं जन्माष्टमी।